नमस्ते, मैं मनिंदर कौर आपका छुपी कहानियाँ में स्वागत करती हूँ। वडोदरा के लोकल सेलिब्रिटीज़ की कहानियाँ आप तक पहुँचाने का हमारा प्यारा सा सफ़र दूसरे एपिसोड तक पहुँच चुका है। आज की हमारी लोकल सेलिब्रिटी है मिसेस फाल्गुनी भड़ियाद्रा फ्रॉम फाल्गुनीज क्रिएशंस, एक लविंग मदर और एक केयरिंग वाइफ, एक आर्टिस्ट भी। ये चाहते तो अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते थे एक हाउसवाइफ बनकर, पर इन्होंने एक मिसाल कायम की और अपने जुनून और अपने हुनर के बल पे अपनी एक पहचान बनाई। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी। सो मैम, आपका जन्म कहाँ हुआ और जहाँ आपका बचपन बीता उस घर के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म अहमदाबाद में बीता और बचपना मेरा गांधीनगर में बीता। वैसे मैं भावनगर की हूँ, लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे गांधीनगर में, तो मेरा बचपन गांधीनगर में बीता। आपका घर का माहौल कैसा था बचपन में? घर हमारा वहाँ छोटा था, गांधीनगर में गवर्नमेंट क्वार्टर था हमारा, दो रूम किचन, ऐसा छोटा ही घर था, लेकिन अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, मज़ा आता था। आपके दोनों ही पेरेंट्स काम करते थे? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों काम करते थे, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और मम्मी भी मेरी अहमदाबाद जॉब करती थी कॉरपोरेशन में। आपके पेरेंट्स के बारे में और कुछ बताइए। मम्मी पापा डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा मानते थे, उन्होंने वही सोचा कि हम हर काम टाइम पे करें, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, और डिसिप्लिन के बारे में वो ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। आपके घर वालों का आपके पैशन को लेकर क्या विचार था या क्या किस हद तक वो सपोर्टिव थे आपको? मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो सोचते थे कि हम कुछ करें ताकि वो मतलब हम आगे बढ़े, तो उन लोगों ने वही सोचा कि तुम आप लोग कुछ करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे, तो हमें हमेशा उन लोगों ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब आपका शादी का टाइम आया तब आपके घर वालों के क्या विचार रहे? शादी के टाइम भी मम्मी पापा ने वो ही सोचा कि हमेशा लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, और हमारी कास्ट में क्या है कि सोने काम करते हुए लड़के रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन मम्मी पापा ने तो वो ही सोचा कि लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, तो उन्होंने पढ़ा लिखा ही लड़का ढूँढा मेरे लिए। शादी के बाद आपके इन-लॉज और आपके हस्बैंड से आपका रैपो कैसा रहा? शादी के बाद मेरे हस्बैंड को मेरा शौक़ के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए रोका नहीं और हमेशा मेरे काम में इंटरेस्ट लेते रहे। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे काम में इंटरेस्ट लेती थी, वो भी मुझे क्या बनाती हो, कैसे करती हो, वो सब पूछ पूछ के मेरे काम में इंटरेस्ट लेती थी। बहुत लकी हैं आप। हाँ, आपको आर्ट में इंटरेस्ट कब आया? मैं जब छोटी थी, मतलब 5th-6th में थी, तभी से मेरा इंटरेस्ट था। मैं मुझे तभी सोचती थी मैं कुछ ना कुछ मुझे करना है, तभी मैं स्कूल चालू क्लास में स्कूल में नोटबुक्स के पीछे ड्राइंग करती रहती थी। चालू क्लास कोई भी हो लेकिन मेरा काम चालू, ड्राइंग का काम चालू रहता था, तो मुझे मज़ा आता था। आप कभी पकड़े नहीं गए क्लास में चालू पीरियड में ड्राइंग करते हुए? मुझे शौक था तो मैं करती रहती थी, लेकिन मुझे करना था इसलिए मैं ध्यान रखती थी कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। आपके टीचर्स को कभी पता चला कि आपका ये शौक है और आपको ये काम करने में मज़ा आता है? हाँ, टीचर्स को पता चल गया था क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा काम करवाती थी, मतलब उनको बताती रहती थी कि मुझे और ड्राइंग बताओ और ड्राइंग बताओ, तो वो लोग मुझे इंटरेस्ट से बताते थे और मुझे कंपटीशन में भाग लेने के लिए भी मुझे प्रेरित करते थे, बोलते थे कि तुम लियो लो पार्ट। मैंने काफ़ी पार्ट लिया, प्राइजेस भी मैं जीती, काफ़ी जीती। स्कूल के बाद अपने कॉलेज में भी अपना पार्टिसिपेशन जारी रखा? हाँ, मेरा कॉलेज के टाइम भी मेरा शौक कायम था, कॉलेज की टीम में प्लेयर थी, क्रिकेट टीम थी कॉलेज की, उसमें मैं प्लेयर थी और हम तलोद खेलने गए थे क्रिकेट टीम की ओर से, और वॉलीबॉल की टीम में भी मैं थी। वेरी अमेजिंग, आप मतलब एक आर्टिस्ट के साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, भी और अभी भी मैं खेल लेती हूँ सोसाइटी में बच्चों के साथ बैडमिंटन और क्रिकेट वगैरह। आपने आर्ट में प्रोफेशनली किस तरह प्रोग्रेस किया?
मैं मेरा काम तो चालू ही था और मैं मतलब सबको बताती थी मेरा काम, और मेरे फ्रेंड्स को तो पता ही था मेरा काम, शौक और काम। तो उन मेरे मुझे एक फ्रेंड मिली मेरी, और उसने मेरा काम देखा, उसने काम देख के बताया मुझे कि तुम ये ट्यूटरशिप क्यों नहीं ले लेती। तो फिर मैंने फेविक्रिल वाला को कांटेक्ट किया, पहले कैमल वालों को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने मेरा काम देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन लोगों ने मुझे तुरंत ही ट्यूटरशिप दी। और फिर मैंने फेविक्रिल वालों को कांटेक्ट किया, तो अभी मैं लास्ट 14 ईयर से फेविक्रिल के ट्यूटर हूँ। वेरी नाइस। सोसाइटी के बच्चे अभी भी आपके पास सीखने आते हैं? हाँ, अभी तो सोसाइटी के बच्चे आते हैं और आसपास के लोग भी आते हैं, और अभी सब लोग मुझे जान गए हैं कि मैं वैसे क्लासेस लेती हूँ। क्या एज ग्रुप के बच्चों को आप सिखाती हैं? हर उम्र के बच्चे आते हैं और सबको, मतलब जब स्कूल में, उन लोगों के स्कूल में कोई कंपटीशन रहती है तभी मुझे खास याद करके मेरे पास आ जाते हैं। क्लासेस के अलावा और किस तरह अपनी आर्ट को आगे लेकर जाने का काम किया है? क्लासेस के अलावा मैंने ऑर्डर्स, मैंने एग्जीबिशंस भी लिए, और ऑर्डर्स भी मैं लेती हूँ, और एग्जीबिशन भी मैं घर से भी करती हूँ और बाहर से भी मैंने एग्जीबिशन किए हैं। आप अभी भी सीखती हैं? हाँ, अभी भी मेरा सीखना चालू ही रहता है, मुझे शौक है तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ, और सीखना मुझे पसंद है। आपकी करंट लाइफ कैसी है इन जनरल? मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरे दोनों बेटे भी अच्छे सेटल्ड है, और घर में भी मतलब गेस्ट रहते हैं तो मुझे प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। आप बैलेंस कर पाती हैं अच्छे से आपकी? कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी क्लास, ऑर्डर्स और सोशल सब साथ में हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन घर वालों की सपोर्ट से मैं मैनेज कर लेती हूँ। मतलब आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे आपके कुछ आर्ट वर्क्स देखने हैं। हाँ, श्योर, सो चलें। हाँ, सिलेक्टेड आर्टिकल्स है, ये क्विलिंग है, ये फैब्रिक पेंटिंग है, ये मिक्स मीडिया है, और ये क्ले वर्क है, और ये गेटवे पेपर पे किया है मैंने पेंटिंग, और ये क्विलिंग वर्क है, ये भी फैब्रिक पेंटिंग है, ये क्ले वर्क है लकड़े पे, और ये एल्बम बनाया है मैंने, और ये फैब्रिक पेंटिंग है पूरा, मेरा सबसे पुराना है ये, मैं जब 12th में थी तब मैंने बनाया था ये। फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट? हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब काफ़ी 30 ईयर्स हो गए। आपने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। मतलब आपने काफ़ी अलग अलग मीडियम्स में प्रैक्टिस किया है। हाँ। बहुत अच्छे अलग अलग मीडियम्स में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो मुझे एक तो ये फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, वो मैंने लकड़े पे बनाई है, मैं ले सकती हूँ? हाँ हाँ, श्योर। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये मैंने लकड़े पे बनाया, लकड़े पे बनाया है पूरा लकड़े पे? हाँ, पूरा लकड़े पे है, और पूरा इसके ऊपर क्ले से शेप देके, और ये ढक्कन, और ये ऐसा ऐसा वैसे टूल है, कोई प्रॉपर टूल नहीं है इसके लिए मैंने यूज़ किया, लेकिन वो पेन का ढक्कन, पेन का आगे का पोर्शन, पेन का पीछे का पोर्शन, ऐसा कुछ ये सब लेके ये मैंने शेप दिए है, और क्ले से ये सब शेप दिया है। वेरी नाइस। ये मतलब पता भी नहीं चल रहा कि क्ले में से बनाया हुआ। हाँ, ये इसका पर्पस क्या है? फिर ऑक्सीडाइज किया है मैंने, और ये फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम? हाँ, ऐसे मिरर भी रख सकते हैं इसके अंदर। वेरी नाइस, मल्टीपर्पस। हाँ, ये क्विलिंग है ना ये? हाँ, ये क्विलिंग है। हाँ, ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, ये एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये इसके मैंने, इसके लिए मैंने पूरी एक एक स्ट्रिप को पूरे एक एक शेप देके पूरा पूरा एक हाथ का, जैसे एक पूरा मुकुट का, जैसे एक कान का, ऐसा शेप दिया है, और फिर पूरा जॉइंट किया है। मतलब इसमें जो एक एक जो दिख रहा है ना, वो सब एक एक मैंने बनाया है, एक एक अलग अलग। हाँ, पेपर स्ट्रिप से बनाया हुआ है ये। नॉर्मल क्विलिंग से बहुत अलग दिख रहा है। बहुत अलग है ये एक कॉम्ब इफेक्ट है। कॉम्ब इफेक्ट है। वेरी नाइस। अब मैं बात करना चाहूँगी गणपति जी के बारे में। हाँ,
क्या है ये? ये सिपोरिक्स है, इसको पूरा ये पूरा ऐसा आता है फ्लैट, इसके ऊपर ये सब टूल से कार्विंग किया है मैंने, फिर उसके ऊपर कलर किया है। मतलब ये पूरा पूरा बहुत संभालना पड़ता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो तो उसका शेप बिगड़ जाता है। मतलब पूरा उसको शेप देने के लिए बहुत संभाल के कार्विंग करना पड़ता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कलर्स भी आपने बहुत अच्छे सिलेक्ट किए हैं। अब ये बॉक्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे, पर ये क्या है? ये आप खोलो तो आपको पता चलेगा। ओके, ओह एक्सप्रेशन बॉक्स है ये, वैसे गिफ्ट देने के लिए ऐसे भी ओपन होता है और ये ऐसे भी ओपन होता है, और पूरा इसके ऊपर विशेष और थॉट्स वगैरह लिखा है। इसके ऊपर पिक्स भी लगा सकते हैं हम, फोटोज़ भी लगा सकते हैं। हाँ गिफ्ट के लिए, हाँ गिफ्ट हो सकता है। हाँ गिफ्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी को अगर अपने कुछ सरप्राइज देने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मुझे आपके सारे काम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने पेंटिंग्स में भी, ये पेंटिंग बाकी पेंटिंग से काफ़ी अलग दिख रही है। हाँ ये मैंने पेपर के ऊपर पेंटिंग किया है। कैन आई टेक इट? हाँ श्योर। इस पे कौन से कलर्स आपने यूज़ किए? वैसे इसके ऊपर मैंने क्रेयॉन्स यूज़ किए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा देख के कि इसके ऊपर क्रेयॉन्स के काम किया हुआ है। गेटवे पेपर के ऊपर क्रेयॉन्स से काम किया है, और फिर पेन से डेकोरेशन किया है, और फिर छोटे छोटे स्टोन्स लगा के उसको और ज़्यादा डेकोरेशन किया। ये काम कितना पुराना होगा लगभग? ये 6-7 साल। 6-7 साल का। आप अपने सारे ही काम को बहुत मेहनत से सहेज के रखते हैं। हाँ और आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है इनमें से? मुझे वैसे फैब्रिक पेंटिंग बहुत, मेरा पुराना और फेवरेट पेंटिंग है, तो मुझे फेवरेट पेंटिंग ज़्यादा, ये सब मेरा फेवरेट पेंटिंग है, ये और ये तो सबसे पुराना है ही। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके स्टूडेंट्स और आपके फैमिली मेम्बर से बात करने के। हाँ आप सभी लोग मैम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक एक करके अपने नाम बताएंगे। आर्यन, विदुषी, मानसी। कितने साल से आप लोग मैम के पास सीखने आ रहे हैं? 4-5-6-7 ईयर्स, 4-5 साल से। 6 ईयर्स, 3-4 ईयर्स। आप लोग काफ़ी यंग हैं, मतलब आप लोग और भी बहुत छोटे होंगे तब से आ रहे होंगे सीखने के लिए। आपको पहले से आर्ट में इंटरेस्ट था या फिर यहाँ पर आने के बाद डेवलप हुआ ये इंटरेस्ट? नहीं पहले से इंटरेस्ट था, पहले से था। आने के बाद इंटरेस्ट था पर मैम ने मदद की डेवलप करने में। आप लोगों ने मैम के पास से क्या क्या आर्ट वर्क्स बनाने सीखे? बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स बनाए, कैनवास पेंटिंग्स पेंटिंग्स बनाए, फिर ड्राइंग्स बनाए, आर्ट ऐसा बहुत सब मदद किए मैम ने। की स्टैंड बनाए, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का और ड्राइंग का सीखा है मैम ने। मोबाइल स्टैंड, की स्टैंड और नेम प्लेट। और आपने? हमने लाइक कॉम्पिटिशन्स में मैम ने मदद की, उसके लिए भी यूज टू प्रिपेयर, फिर डिफरेंट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऐसे सब। आप लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते होंगे, तो आप लोग मैम की हेल्प लेते होंगे उसमें ऑफ कोर्स, तो आप लोगों को हेल्प मिली या आपने कुछ जीता कभी कोई प्राइजेस? हाँ ऐसे अवंतिका कॉम्पिटिशन आती है ना स्कूल में, तो ऐसे मैम की हेल्प ली है हमने, अच्छे ड्राइंग्स। और कॉम्पिटिशन थी उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी, मैम की हेल्प ली थी इसलिए। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में हमें पेपर्स मिलते थे, तो मैंने उसमें मैम की हेल्प लेके प्रैक्टिस करी और फिर उसे बताया, तो उससे मुझे स्कूल लेवल पे, सिटी लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे भी प्राइजेस मिले। तो मैं देख रही हूँ आप कुछ लेकर आए हैं साथ में, दिखाएंगे क्या है वो? ये स्कूल लेवल पे मिला, फिर ये स्टेट लेवल पे बेस्ट ड्राइंग का मिला। वेरी नाइस, मतलब आपको कुछ अचीव करने को भी मिला है, तो दैट्स वेरी गुड। यस, सो आप और कुछ मैम के बारे में शेयर करना चाहेंगे? मैम ऐसे काइंड है, हम्बल है, अच्छे से सिखाते हैं, समझ में आ जाता है ड्राइंग से, कुछ फॉल्ट हो तो फिर बताते हैं कि ये फॉल्ट है सर। मैम बहुत काइंड है, वो कभी हम लोग से स्ट्रिक्ट नहीं रहते। शी इज़ सो हार्टफुल, शी इज़ डिवोटेड।
आप लोग के कुछ लेकर आए हैं आप लोग, मैं देख सकती हूँ आपने कुछ बनाया हो वैसा कुछ? मैंने ये नेम प्लेट बनाई थी ऑफ क्विलिंग, मैम ने मुझे बहुत हेल्प की थी, मेरा पूरा वैकेशन यहाँ ही था एंड आई एंजॉयड इट इन मेकिंग दिस। ये आपने अपने घर के लिए बनाया है? हाँ। आप लोगों ने भी कुछ कुछ बनाया है ऐसा कुछ? हाँ, मैंने भी ऐसी नेम प्लेट बनाई थी, लाइक पहले मैंने मेरी फैमिली के लिए बनाई थी, फिर बहुत अच्छी लगी थी सबको, तो फिर दूसरी नेम प्लेट वापस बनाई थी। मैंने गणेश से की स्टैंड बनाया था। वो आपके घर पे है, आप यूज़ करते हैं उसको? नहीं, मैंने गिफ्ट किया है। फ्रेंड्स को गिफ्ट किया आपने? नहीं, मेरे मामा और उन लोग को। वेरी नाइस। और आपने कुछ बनाया हो या किसी को दिया हो कुछ बनाकर, या आपने लिए बनाया हो कुछ? हाँ, मेरे लाइक रिलेटिव्स की बर्थडे थी, तो आई जस्ट मेड सम गिफ्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैम एंड दे रियली लव्ड इट। मतलब आप लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं आर्ट्स। ओके, थैंक यू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मैम के हस्बैंड हैं? यस। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम भरत है। और आप? वरुण। मितुल। आप दोनों उनके सन? जी। आपको जब पता चला कि ये इनको इंटरेस्ट है आर्ट में, तो आपने क्या सोचा या आपके दिमाग में क्या रिएक्शन था इसको लेकर? एक्चुअली स्पीकिंग, मेरे को तो ऐसा लगा कि श्योरली इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड, बिकॉज उस जमाने में जो ये आर्ट इतना फैला हुआ शायद मेरे हिसाब से नहीं था, तो वो जो शौक है शायद एक सही लाइन उनके लिए भी थी और उसमें नाम भी अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा जरूर लगा। तो आपकी तरफ से फुल फ्लेज्ड सपोर्ट था उनको? श्योर, पूरा पूरा। यस यस, इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर कि ये अच्छी एक शौक है। जब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ हमारे मॉम के पास ये टैलेंट है, तो आपने कभी शो ऑफ करने का ट्राई किया फ्रेंड्स के बीच में कि? एक्चुअली किया है, यस। इनफैक्ट इज अ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि आप इवन स्कूल्स में भी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, आप अलग फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, उनको भी बना सकते हो, तो मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह रहता है जब कोई भी बच्चे कोई ड्राॅइंग चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कोई हो तो एक लास्ट मिनट में सब बाकी है तो भी हो जाएगा सब। इनफैक्ट इवन इंजीनियरिंग में भी काफ़ी हेल्प किया है, मतलब इंजीनियरिंग में भी उन्होंने काफ़ी हाँ, वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राॅइंग रहता है उसमें भी हेल्प हुआ है। कभी आपने ऐसा फील किया कि उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है अपना काम और घर का काम? मेरे ख्याल से उसको काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, लेट मी एग्री, शायद हम लोग इतना तो नहीं को कर रहे हैं या हम लोग इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं, पॉसिबली वी कंटिन्यू टू वॉच, और वो काफ़ी भागादौड़ी हो रही है, हम लोग उसमें शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बट हमको फीलिंग ज़रूर आती है कि ये काफ़ी खींचना पड़ रहा है टू बैलेंस द सिचुएशन। But she can manage. Most of the time she manages. She has that. हमको प्रॉब्लम नहीं आने दिया कभी भी, काफ़ी उनका शेड्यूल भी फिक्स रहता है कि सुबह कब स्टूडेंट्स को बुलाना है, कब खाना बनाना है, तो वो टाइम भी ऐसा सिलेक्ट करेंगे जैसे पापा ऑफिस में चले गए, हम लोग स्कूल में चले गए या कॉलेज में चले गए, उनके बाद 11 to 1 o'clock होगा, फिर हमारे लंच का टाइम होगा, तभी अगेन उनका भी ब्रेक होगा, सो हमेशा उन्होंने मैनेज किया है कि हमको कभी प्रॉब्लम ना आए। आपने कभी इंटरेस्ट लिया कि हम भी कभी कभी कुछ सीखें उनके पास से? जब भी छोटे थे तभी यस, हाँ काफ़ी, इवन इनिशियल स्टेजेस पे काफ़ी, जब भी स्टूडेंट्स आते थे हम लोग भी कुछ बैठते थे, बट जैसे ही ग्रेजुअली बड़े होते गए तो थोड़ा कम होता गया, बट इनिशियली काफ़ी था। मैं ज़्यादा बच्चों के साथ खेलता था, जैसे मैंने बोला वो लोग आते थे, मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम पास करता था, उनके साथ खेलता था। तो आप तंग भी करते थे मतलब अपनी मम को काफ़ी? लेकिन वो जो बच्चे अभी छोटे छोटे थे आते हैं उसके साथ खेलने का काफ़ी मन करता है, श्योरली इट बिकम्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, ऐसे छोटे जो बच्चे आते हैं तो उनके साथ कभी खींचतान नहीं करने का मन जरूर होता है, मतलब आप इस तरह भी उनको हेल्प करते हैं, आप माहौल लाइट कर देते हैं। मैं उनको कभी कभी पूछता हूँ कि आप आने के बाद में क्या कभी प्रार्थना कराते हो क्या, या कभी जोक्स करते हो क्या? तो अगर मम्मी को कुछ काम है तो हम भी बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, पहले बैठ के टीवी देख लिया, कार्टून देख लिया, अगर कुछ मम्मी को 15-20 मिनट का काम है कुछ है तो। आपने कभी ऐसा किया कि मम्मी ने कुछ बनाया है लेकिन आपने जाकर बाहर बोला नहीं ये तो मैंने बनाया है, ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने किया है स्कूल में, जब छोटा था लोग ये देखो ये ड्राइंग मैंने बनाया करके, मतलब आपने चीटिंग की बोल सकते हो। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। So guys, this was our second episode of Chupi Kahaaniya. If you liked it, please like, share, comment, subscribe. Thank you for watching.